नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गुरुवार इंदौर में दिन दहाड़े हुई डकैती की गुत्थी, पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। वहीं पुलिस ने बदमाशों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अब क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाल रही है। दरअसल इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के व्यस्तम भोला राम उस्ताद मार्ग पर कल दिन दहाड़े स्वर्गीय पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर पर करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में माँ और दोनों बेटों सहित नौकरानी को बंधक बनाने के बाद डकैती को अंजाम दिया था। बदमाश यहाँ करीब 20 मिनट से अधिक समय रुकने के बाद लाखों रुपए समेट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने घटनास्थल से बदमाशों के फुटेज निकाले जिसमें वहाँ मेन रोड तक जाते दिखाई दिए। पुलिस ने बदमाशों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए 3 थानों की करीब 8 टीमें लगाई गई हैं जो अपने स्तर पर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। वहीं इसमें कई लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कल थाना भौरका क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार की उद्घोषणा की गई है। एडिशनल SP CSP के साथ में 3 थानों की टीम लगी हुई है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।